हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी पूस की रात। यह कक्षा 11वीं की पुस्तक दिगंत का पहला पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, तीन ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आँखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे, कोई खैरात दे देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है, मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। जाकर उसने आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से ये खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी, अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठुठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बाँस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाल सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से 1 को भी नींद ना आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है, कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमुहाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताल लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे, यह राड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका, यह खेती का मजा है, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल मजाल है, जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी, जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुँह की ओर प्रेम से छलकती हुई आँखों से देखा, हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुँह के पास अपना मुँह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगीं। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा,
पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया, नहीं इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। एक घंटा और गुजर गया। रात ने सीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों से रक्त की जगह हिम बह रहा था। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है, सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, जाने कौन जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, ताते हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। जबरू ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण उसने दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्भ को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई, अच्छा आओ इस अलाव को कूंद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है, अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी, यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो ऊपर से कूंद कर आओ। वह फिर कूंदा और अलाव किस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं, बगीचे में फिर अंधेरा आ गया था।
राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबा लेता था। जबरा जोर से भोंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक झुंड खेत में आया है, शायद नील गायों का झुंड था। कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं, कि चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा 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 भोंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली, अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवर के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भोंक उठा, जानवर खेत चल रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और दो तीन कदम चला, पर एकाएक हवा का झोंका ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया, भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेती की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए है वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।